Every day is Mother's day for me. मेरी पिटाई तो नहीं हुई, थप्पड़ लगे एक दो बार, उससे ज्यादा शायद। uh, कभी-कभार अगर देख लेते हमको yeah. तो मैं रोकती नहीं हूँ बट आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इनवाइटिंग मेरी कोशिश हर इंटरेक्शन में अपने बच्चों के साथ यही रहती है कि फर्स्ट आई गिव देम द रिस्पेक्ट ऑफ बीइंग इंडिविजुअल्स मॉम के साथ जो एक अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो हम दोनों का आज तक जुड़ा हुआ है किसी किसी कोई वो काट, नहीं, काट पाया. नहीं पाया अपने खुद के बच्चे के बतायशी के बाद मुझे इस बात का और भी गहराई से एहसास हुआ है कि मां जैसी कोई नहीं दुनिया में कोई नहीं हो सकती नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड बबल और मेरा नाम है अविनाश पा माँ मॉम, मम्मी अम्मी शब्द कोई भी हो जुबा कोई भी हो, एसेंस एक होता है ढेर तो साथ एक मौजूद है ऐसी ही बेहद प्यारी और टैलेंटेड माँ दिया मिर्जा दिया स्वागत है आपका थैंक यू अविनाश थैंक यू मदर्स डे मैं अगर पूछू इस वर्ड को सुन के सबसे पहले जहन में क्या आता है खुद की माँ थिंक अगर ज़िंदगी में कोई एक ऐसा रिश्ता है जो सिर्फ़ प्यार के नींव पर बनता है वो माँ बच्चे का रिश्ता होता है uh, मेरा मैं हमेशा कहती हूँ कि मॉम के साथ जो एक अम्बिलिकल कॉड होता है वो हम दोनों का आज तक जुड़ा हुआ है किसी किस कोई वो काट नहीं काट पाया एंड अपने खुद के बच्चे के बताइशी के बाद मुझे इस बात का और भी गहराई से एहसास हुआ है कि माँ जैसी कोई नहीं दुनिया में कोई नहीं हो सकती एक एक आपने बोला ना टाइम शिफ्ट हुआ है थोड़ा सा एक वक्त पे आप अपनी मदर के लिए सेलिब्रेट करते थे मदर्स डे हाँ। और आज बच्चे हैं तो पुराने वक्त में आपकी मदर के साथ मदर्स डे भी कोई ऐसी याद है क्या कुछ तैयारी करते हो तो अभी वो चीज़ कैसी बदली है ऑनेस्टली अविनाश ये जो दिन होते हैं वो hmm. इसीलिए बनते हैं क्योंकि सोशली uh, एक गैप्स uh, महसूस होने लगते हैं hmm. कि लोग अपनी पार, पारिवारिक जीवन में या रोज़ाना जीवन में या गृहस्थी में या काम में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं hmm. कि uh, ये जो रिश्ते हैं उनको कहीं ना कहीं निग्लेक्ट करने लगते हैं so छूट जाते छूँच हैं तो दैट्स वन ऑफ़ द रीज़न्स वाई दीज डेज आर आइडेंटिफाइड लेकिन जब एक रिश्ता इतना खूबसूरत होता है जैसे कि मेरी मेरा रिश्ता मेरी मॉम के साथ बचपन से इतना गहरा रिश्ता रहा है हम एक दूसरे के बिना कहीं नहीं जा सकते एक दूसरे के बिना कोई भी हमने कोई भी मतलब डिसीजन नहीं लिया लाइफ में मॉम हमेशा मेरी ज़िंदगी का बहुत गहरा हिस्सा रही हैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड रही हैं तो उसमें तो मैं हमेशा कहती थी कि एवरी डे इज़ मदर्स डे फॉर मी कोविड के दौरान इनफैक्ट uh, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि 20 इक्कीस साल में शायद पहली बार रात दिन इतने सारी महीने मतलब दो महीने से ज़्यादा शायद ऑलमोस्ट तीन महीने मैं उनके साथ लगातार मैंने उनके साथ समय बिताया और वो मेरे लिए सबसे अमूल्य वक्त था क्योंकि ऑफ़ कोर्स इवन दो आई वॉज अ वर्किंग वूमन एंड आई वॉज ट्रैवलिंग सो मच एंड आई डिड मेक टाइम फॉर माई मदर आई फेल्ट लाइक दैट काइंड ऑफ टाइम आई स्पेंट विद हर इन सो मैनी डेकेड्स तो लाइफ इज़ इंटरेस्टिंग ना इट गिव्स यू दी अपरचुनिटीज टू इंटरस्पेक्ट एंड रिफ्लेक्ट तो uh, मेरे लिए ये जो समय था बहुत स्पेशल था क्योंकि uh, साथ में उठना साथ में सोना खाना बनाना साथ में घर की सफ़ाई साथ में करना स्क्रैबल खेलना घंटों तक किताबें पढ़ना वेरियस सब्जेक्ट्स जो मतलब जो अपने पैशन के हैं उनको डिस्कस करना आ, और इस बात का बहुत आ, गहराई से समझना कि ये जो रिश्ता है मॉम के साथ वो एक जजमेंट फ्री रिश्ता है और हमेशा रहा है एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट माई मदर इज़ कि उन्होंने हमेशा ना मुझे स्पेस दिया है लाइफ में जब मैं बच्ची भी थी तभी भी और आज भी यू नो आई एम एनल्टो मदर शी इज़ ऑलवेज बीन वेरी इन्वॉल्व पेरेंट तो शी इज़ ऑलवेज बिन अवेयर ऑफ वट्स हैपनिंग इन माई लाइफ क्योंकि मैं उनके साथ खुल के सब बात करती हूँ बट

Uh, से गुज़रे हैं बहुत मुश्किल दौर दौरों से गुज़रे हैं लेकिन उनका जो ओपन uh, हार्टेडनेस है और उनका जो फेथ है इन गुडनेस वो मेरे लिए सबसे बड़ा फाउंडेशन रहा है एंड आई हैव ट्राई टू इन्वाइट दैट इन माई इंटरेक्शन लाइफ एंड पीपल आई थिंक उनकी जो उनकी जो भाषा है उनकी जो बोली है उनकी जो उनके जो विचार हैं वो जैसे समय बीतता है मैं और भी गहराई से समझने लगती हूँ क्योंकि आपकी भी एक मेचोरिटी आने, लगती, आने है, लगती है और आप भी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर समझने लगते हैं और जैसे जैसे आप जिंदगी को ही नहीं अपने आप को बेहतर समझने लगते हैं तो उनकी कही बातें उनसे सीखी बातें और भी गहराई से अपनाना आ, अपनाना चाहते हैं अपना पाते हैं लेकिन उसके साथ साथ आई थिंक जो समझ है दैट आहा मोमेंट की आह ये मॉम तो ने कहती थी मम्मी हा? हमेशा कहती थी अभी अभी भी भी कहती हैं तो जो परवरिश आपकी हुई जैसे परवरिश आपकी हुई और जो परवरिश आप अपने बच्चों की कर रहे हो वक्त के मुताबिक क्या बदला है चीजों में चाहे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो परवरिश के लिए बहुत जरूरी होते हैं जो इनफैक्ट in इन्फ्लुएंस करते हैं अच्छे या बुरे में पैसा हो गया आसपास का माहौल हो गया ऐसे फैक्टर से कितनी चीजें अभी बदली हैं मॉम हमेशा कहती थी और ये वो करती भी थी मेरे साथ वो कहती थी कि पैसों से ज़्यादा मटेरियल पोजेशन से ज़्यादा अहमियत रखती है आप कितना समय अपने बच्चों को दे पाते हैं और आपके इंटरेक्शंस आपके बच्चों के साथ क्या होती हैं तो आधे मीनिंगफुल आधे आर्टिस्टिक आधे क्रिएटिव Uh, आप कितना जॉय क्रिएट पा कर पाते हैं अपने बच्चों के साथ आई यू रीडिंग विद दैम आई यू पेंटिंग विद दैम आई यू सिंगिंग विद दैम आई यू डांसिंग विद दैम आई यू एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड विद दैम आई यू इंटरेक्टिंग विद नेचर विद दैम ये सब कुछ मेरे माँ बाप ने मेरे साथ किया और जितना कुछ मुझे मैंने सीखा है पेड़ पौधों के बारे में फूलों के बारे में चिड़ियों के बारे में प्रकृति के बारे में वो सिर्फ मेरे मॉम और डैड की वजह से था ऑफ़ कोर्स अफकोर्स अदर पीपल ऑल्सो इंस्पायर बट इट स्टार्टेड एट होम इट स्टार्टेड विद माय पेरेंट्स उसके साथ साथ यू नो दैट दैट सेंस ऑफ वंडर अपने चाइल्ड को हमेशा जगा के रखना जिंदा रखना वो सब मॉम से ही सीखा है क्योंकि वो वैसी हैं सो आई थिंक वी आर ऑलवेज द इम्प्रेशन्स ऑफ आर हिस्ट्री हम अपने माँ बाप को आगे अपने एक्शन से अपनी सोच से हम तो जरिया हैं उनके तो hmm. हम वो सब आगे ले जाते हैं ऑफ कोर्स खलील गिब्रान का ये कहना है कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन दे कम थ्रू यू बट नॉट फॉर यू एंड माई पेरेंट्स रियली बिलीव दैट सो अकनोलेजिंग द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ चाइल्ड एंड रिस्पेक्टिंग अ चाइल्ड एज एन इंडिविजुअल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वो मुझे हमेशा मिला और मेरी कोशिश हर इंटरेक्शन में अपने बच्चों के साथ यही रहती है कि फर्स्ट आई गिव दैम द रिस्पेक्ट ऑफ बींग इंडिविजुअल्स तो एंड देन क्रिएटिंग मीनिंगफुल इंटरेक्शन्स विद दैम एंड ऑलवेज गिविंग मोर वैल्यू टू द टाइम स्पेंड विद दैम एंड द क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड विद दैम वर्सेज जस्ट बी एबल टू बाई एनी थिंग एंड एवरीथिंग फॉर दैम क्योंकि जब हम बड़े हो रहे थे इतना कुछ था नहीं कुछ अलग है अलग है एज इन कोई ऐसी चीज़ जो आपकी आपकी मम्मी ने पेरेंटिंग के दौरान की बट आप नहीं कर पा रहे या कुछ ऐसा जो उन्होंने नहीं किया और आप कर रहे हो क्योंकि आपने बोला ना वक्त बदला है बहुत सारी चीजें बदली हैं ये ये जो चाहती हो कि अविनाश टू डू ऐसी नहीं है तो मैं नहीं कर पाती हूँ

आप उनको एक बार बात ठीक से समझा दो समझ प्यार से समझा दो तो समझ जाते हैं आप बचपन में कैसे थे शरारती थे बहुत स्वीट से थे पिटाई विटाई होती थी आपकी मेरी पिटाई तो नहीं हुई थप्पड़ लगे एक दो बार एक्चुअली उससे ज्यादा शायद द लास्ट टाइम आई गॉट स्लैप्ड वाज व्हेन आई वाज 21 21 या या माय मदर हैज नेवर हेल्ड बैक आई हैव चोजेन दैट आई विल नेवर रेज माय हैंड ऑन माय चिल्ड्रन Uh, because I think it's a way of ऑफ or parenting पेरेंटिंग hmm. that I don't agree with, and आई uh, थिंक बात से काम बन ban जा, बन जाएगी आई एम होपिंग मेरा बच्चा मस्ति खोर है बहुत नटखट है लेकिन बहुत समझदार भी है मैं उनसे बात करती हूँ तो समझ जाते हैं दोनों बच्चे एक्चुअली समायरा इज़ ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट बींग एंड you give her a rational and logic behind something she won't do it working mom ke kya pros and cons hain aapke according aur specifically jab aap ek aise field mein ho jahan kuch timing fixed nahi hai kabhi late night shoot hai kabhi early morning shoot hai kabhi aap lambe waqt tak bachcho se door hain is bare mein matlab wo wo the na andar ki maa yeah. usko no i mean avinash honestly i discovered mom guilt is real hmm. when uh, jab avyan एक साल का हुआ था और मुझे धक धक के लिए शूट के लिए निकलना पड़ा hmm. और uh, मैं तकरीबन डेढ़ डेढ़ महीने तक उससे दूर रही बहुत मुश्किल समय था मेरे लिए uh, लेकिन आज टेक्नोलॉजी है तो मैं फेस टाइम कॉल्स करते थे हम लोग रेगुलरली एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत सॉलिड है वेबर इज़ अ वेरी प्रेजेंट एक्टिव फादर एंड माई मदर इज़ दैर हु इज़ ऑलवेज दैर विद द चिल्ड्रेन सो आई नेवर हैव टू वरी अबाउट दैर सेफ्टी एंड आई नो दैट शी इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ़ दैम एक्जैक्टली द वी आई वुड तो वो उस लेवल पर एक एश्योरेंस एक सेंसव uh, काम मिल जाता है सेंटर मिल जाता है कि बच्चे ठीक हैं hmm. uh, लेकिन आई थिंक इट्स नेचुरल ना मैं सिर्फ वही काम फिर चूज़ करती हूँ जिसमें अगर वो जो सेप्रेशन एन्जाइटी है वो फील करते हुए मुझे एटलीस्ट इस बात की गिल्ट महसूस नहीं होती कि मैं क्या काम कर रही हूँ एटलीस्ट hmm. मुझे ये लगता है कि मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ ये मेरे बच्चों के लिए है कल जाके वो ये कहानी देखेंगे इससे कुछ सीखेंगे इससे कुछ समझेंगे इनको गर्व महसूस होगा कि मेरी मॉम एक इतने अच्छे मुद्दे से जुड़ी थी एंड दैट्स रियली दी इंटेंशन नाउ गोइंग दिस फॉर ओवर आई मोर कॉन्शियस अबाउट इट बिफोर मतलब uh... माँ बनने के बाद किरदारों को चुनने का तरीका बदल गया है हो जाता है वो आई थिंक वो माँ बनने से पहले ही हो गया था लेकिन अभी तो और भी ज़्यादा क्योंकि मेरा वक्त सिर्फ मेरा नहीं है मेरा वक्त मेरे बच्चों का है और अगर मैं अपना वक्त उनसे आ, मतलब उधार ले रही हूँ कहीं और जाकर कुछ करने के लिए तो उसमें कुछ तो मायने होने चाहिए इट शुड होल्ड मोर मीनिंग देन जस्ट डूइंग वर्क जॉब वर्क में मैं अगर बोलू कैरेक्टर्स चूज करने का कुछ पैमाना बदला है क्योंकि जैसे सुषमिता सेन हो गई या प्रियंका चोपड़ा हो गई ये लोग बोलते हैं मतलब अपने सबके सबके टेक हैं या रितेश हो गया रितेश इज वेरी क्लियर कि अब मैं सिर्फ वैसे ही रोल करता हूँ जब मैं अपने बच्चों को दिखा सकूँ मेरा मानना यह है कि मुझे ऐसा लगता है I can be an instrument for positive change. जिन कहानियों से मैं जुड़ती हूँ उन कहानियों का लोगों पर क्या असर होता है उन किरदारों का लोगों पर क्या असर होता है उन किरदारों का असर मुझ पर क्या होता है राइट hmm. right? अगर इसका जो आउटकम है वो पॉजिटिव है पावरफुल है तो फिर मैं उस कहानी से उस किरदार से जुड़ जुड़ना चाहूँगी आई कॉन्ट आई कॉन्ट डू एनी थिंग दैट डजेंट Fulfill my purpose and oh. and 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 make me feel whole and, and good and and that has only been amplified after becoming a mother. बिन एम्पीफाइडर बिकमिंग की परवरिश में कुछ फर्क लगता है आपको कि बेटे या कुछ ज्यादा समझाना पड़ता है चीज़ें या बेटी को ज्यादा समझा दोनों में है। अभी तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में दोनों का एज गैप बहुत ज्यादा है ah. हमारी बेटी पंद्रह साल की है बेटा तीन साल का होने ah. वाला है दोनों बहुत स्ट्रोंग विल्ड हैं hmm. दोनों को समझाना पड़ता है दोनों समझ भी जाते हैं बट इट्स आई थिंक फ़र्क नहीं होना चाहिए वी ट्राई एंड रेज चिल्ड्रन विद द सेम एटीट्यूड एंड सेम अप्रोच चाहे वो उनकी सेफ्टी के मामले में बात हो या जो घर की uh, मतलब अगर मैं चाहती हूँ कि समायरा अपने खुद के चोर्स करे मैं उतना ही चाहती हूँ कि अवयान अपने खुद के चोर्स करे एंड आई टेक ग्रेट प्राइड इन द फैक्ट कि वो झाड़ू कर लेगा वो डस्टिंग कर लेगा खुद के जूते उतार के अपनी जगह रख देगा खाना बनाने में रुचि है दोनों की तो दिस एवरी थिंग इज वी बिकॉज द फैक्ट इज दैट वी वॉन्ट टू क्रिएट अ जेंडर न्यूट्रल वर्ल्ड राइट वेयर देर इज़ इक्वालिटी एंड दैट स्टार्ट्स एट होम आप कैसे अपने बच्चों को रेज करते हैं क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं उनके लिए क्या वो अपने माँ बाप को वही करते हुए देखते हैं That gives them the sense कि रिलेशनशिप इज इक्वल एक तरफ जहाँ कुछ स्टार्स हैं उनके बच्चे काफ़ी पैप्स कल्चर में रहते हैं hmm. दिखते हैं आपके बच्चे क्यों इतना कम कोई खास वजह uh, एक तो आई थिंक बच्चों को बच्चा ही रहना चाहिए uh, कभी कभार अगर पैप्स देख लेते हैं हमको hmm. तो मैं रोकती नहीं हूँ समायरा इज पर्टिकुलरली शाय शी डजेंट लाइक बींग सीन इन द मीडिया शी डजेंट इन्जॉय इट एंड वी रिस्पेक्ट दैट अवेन इज टू यंग टू टेल अस वेदर ही लाइक्स इट और ही बट आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इन्वाइटिंग द पैप इफ आई एम विद माई चिल्ड्रेन इफ दे हैपन टू बी दैट अवियन इज रिस्पेक्टफुल सो इज समायरा हर बच्चा अलग होता है हर माँ अलग होती है बट स्टिल जो नई मदर्स हैं उनको दिया मिर्जा की तरफ से कोई टिप कि यार ये चीज़ थोड़ा सा कर लिया करो पेरेंटिंग पे यू you नो know, आई uh, थिंक सबका नज़रिया अपना होता है लेकिन हुँ. एक चीज़ है जो मैं उम्मीद करती हूँ हर माँ बाप अपने पेरेंटिंग में लेकर आए क्योंकि ये ज़रूरत है आज के समय में bring mindfulness to your choices and bring consciousness to your consumption. so before you buy a diaper, before you buy clothing, before you feed something to your child, अपने आप से पूछिए क्या ये healthy है, क्या ये safe है, क्या ये chemical free है, क्या ये toxin free है, क्या ये मेरे बच्चे के uh, health के लिए ठीक है? और अगर आंसर येस yes रहा दैट इट्स गोइंग टू बी हेल्थी फॉर योर चाइल्ड देन इट्स द चांसेस आर हाई विल बी हेल्थी फॉर द एनवायरनमेंट इज़ वेल मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वी आर क्रिएचर्स ऑफ हैबिट सब कुछ यूज सब अगर कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो लोग बिना सोचे समझे वो भी यूज़ कर लेते लगते हैं लगते। और अब इतना डेटा आगे आया है साइंस एक्सेस दे रहा है हमको एक सिंपल सी चीज़ है जो इतने मतलब तादाद में यूज़ होता है जैसे कि डाइपर्स रेगुलर डाइपर्स आर लेस्ड विद केमिकल्स दे फिल्ड विद प्लास्टिक लेकिन कोई नहीं सोचता डायपर यूज़ करने से पहले कि क्या ये मेरे बच्चे के लिए हानिकारक है अभी तो मतलब बिकॉज ऑफ द थिंग्स एट वे यूजिंग अपने बच्चों पर अपने अपने लिए भी विदाउट थिंकिंग एंडोक्राइन एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स क्रिएट होते हैं कैंसर hmm. होता है hmm. बहुत सारी बीमारियाँ बढ़ रही हैं uh, और वो इसलिए क्योंकि हम सोच नहीं रहे हैं एंड अनफॉर्चुनेटली ये जो गुड प्रोडक्ट्स हैं अच्छे प्रोडक्ट्स हैं वो मेन स्ट्रीम नहीं है देर द एक्सेप्शन नॉट द नॉर्म और ये नॉर्म तभी बनेंगे जब हमारा डिमांड उसके लिए बढ़ेगा इसलिए एज अ पेरेंट एज अ मदर मैं उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करती हूँ जो सस्टेनेबल है जो ऑर्गेनिक hmm. है जो नेचुरल है क्योंकि मेरी उम्मीद यही है कि ना सिर्फ मैं इन चीजों का उपयोग करूं सब यूज करें यूज करें थैंक यू सो मच फॉर दिस डीप मीनिंगफुल एंड रियल कॉन्वर्सेशन इस बातचीत के लिए अरे अविनाश थैंक यू थैंक यू हाय आई एम दिया मिर्ज़ा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन thank <laughs> you